अब देख लीजिए, स्कॉर्पियो ये कौन से लगन में आ जाएगा? लिब्रा लगन में आ जाएगा, ठीक है। लिब्रा लगन के सातवें घर में कौन सा साइन आ रहा है? एरीज। हाँ ठीक है, तो सातवें घर में मेष राशि अगर आ रहा है लिब्रा साइन में, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट डालेगा। जैसे क्या, कि फैमिली में ट्रांसफॉर्मेशन तब हुआ जब किसी पर्सन का मैरिज होगा, ठीक है। और दूसरा प्रेडिक्शन क्या निकलेगा, बातों में बहुत बहुत ज्यादा बोलने वाला पर्सन नहीं होगा, गुप्त पर्सन रहेगा, कम बोलने वाला रहेगा, 10 लोगों के सामने ज्यादा बोलेगा नहीं, ठीक है, बहुत कम बोलने वाला नेचर का रहेगा। स्कॉर्पियो साइन छिपा हुआ, उसकी बातें छिपी हुई है, ठीक है, सीक्रेट सीक्रेट एनर्जी के पीछे या रिसर्च में इन्वॉल्व लगा हुआ है, उसके पैसे रिसर्च से आ रहे हैं, मनी जो है वो रिसर्च से या अकल्ट से आ रहे हैं ना, 8th हाउस में अकल्ट का साइन आ रहा है ना, ज्योतिष का साइन हाँ है स्कॉर्पियो साइन ना, तो पैसे जो है वो अकल्ट से आ रहे हैं, ठीक है। मेरे और मेरे वाइफ का दोनों का ही लिब्रा लगन है, ठीक है, और दोनों के धन भाव में स्कॉर्पियो आ जाएगा, ठीक है। ओके। तो अब देख लीजिए और क्या चीजें हो सकती हैं, और ये चीजें हो सकती हैं कि फैमिली में बहुत पहले क्या होता था, कि बहुत लोग साथ में रहते थे, लाइक कंबाइंड फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन स्कॉर्पियो साइन है तो वो बदलाव करेगा, क्योंकि एक बात बताना भूल गया मैं, स्कॉर्पियो साइन फिक्स साइन है, लेकिन एक बार में वो फिक्स नहीं होता है, कुछ इवेंट के बाद वो फिक्स हो जाता है। जैसे अगर किसी चीज में यहाँ पे मान लीजिए फिक्स होना लिखा हुआ है, तो कुछ होगा तो फिक्स होगा, जैसे मान लीजिए 3-4 फैमिली साथ रह रही है, लेकिन बाद में क्या हुआ, सारे अपना अपना हिस्सा लिए और अलग हो गए, सारे अपना अपना हिस्सा लिए और अलग अलग रहने लगे हैं। तो इसको ऐसे कनेक्ट करना चाहिए कि फैमिली में इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आता है, पहले बात तो 7th हाउस से भी जुड़ा हुआ है, तो मैरिज से भी एक मतलब फैमिली में बदलाव आता है, फैमिली में कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। तो एक एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सेवेंथ सेवेंथ का भी कनेक्शन है, और आपका 2nd हाउस ऑलरेडी आपका स्कॉर्पियो से है, ठीक है, और आपका ठीक है। अब स्कॉर्पियो साइन मैंने कहा कि रिवेंज का साइन है, बहुत पुराने रिवेंज ले सकता है, तो ऐसा पर्सन जो होता है ना, वो मौके तलाश सकता है कि मुझे जब मौका मिलेगा तब मैं बोलूंगा। अगर कोई इंसान किसी को मारने का बदला ले रहा है, तो वो बोलने का भी तो बदला ले सकता है ना, जरूरी नहीं कि हर कोई हाथ उठाए या किसी को जान से मारे, ठीक है, इंसान जुबान से भी तो मार देता है ना, बहुत ज्यादा अगर किसी को बोलना हो, कटाक्ष बोलना हो, तो वहीं पे उसको मार सकता है, तो वो एक टाइम मौका पाएगा फिर वो बोलेगा, ऐसे शांत रहेगा वो, लेकिन मौका पाएगा तो बोल देगा वो, ठीक है, को मौका चाहिए, तो ऐसे इसको कनेक्ट करना चाहिए स्कॉर्पियो साइन को। समझ में आ रही है ना, जहां नहीं समझ में आएगी हाँ तुरंत सर। पूछिएगा, नहीं सर, दोनों आ गए हैं कि ठीक है। मतलब पहले में होगा तो पर्सनालिटी से मतलब वो हाँ हिडन होगा। हाँ, और जी, दूसरे और में सिंपल रीजन है, इसका सिंपल रीजन है, आप दोनों हाउस को जोड़ दीजिए, क्योंकि अगर 2nd हाउस परिवार का है तो परिवार में आप ट्रांसफॉर्मेशन जोड़ दीजिए, और 2nd हाउस अगर बोलने का है तो बोलने में आप जोड़ सकते हो आप, ठीक है, जैसे उसके बोलने में के तरीके में भी बदलाव आएगा, कि यार तुम ऐसे बोलते थे, आप कितने अच्छे बोलने लगे हो, या कितना अच्छा हो, या फास्ट बोलने लगे हो, या पहले तो कुछ बोलते नहीं थे, या तुम इतना अच्छा बोलते हो पता ही नहीं है, तो ये भी एक गुप्त है, ये भी चीजें छिपी हुई है, कि वो बोलता बहुत है, लेकिन हो सकता है अकेले में बोलता हो, अपने फैमिली में बोलता हो, लेकिन बाहर नहीं बोलता है, ठीक है, ये भी एक छिपाव है, सीक्रेट है, ठीक है। और आपका ये सारी चीजें रहेंगी, और फूड हैबिट में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ना, हाँ सर। सपोज करिए कि मैं कुछ दिन से चाय छोड़ दिया हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन इसको ही बोलेंगे, ठीक है, स्कॉर्पियो साइन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा अपने फूड हैबिट में भी समय समय पे। अब 3rd हाउस में आ जाते हैं, ठीक है, तो वर्गो लगन में आ जाएगा, तो वर्गो लगन छठे घर की राशि है, ठीक है, और छठे घर रिप्रेजेंट करता है रोग ऋण शत्रु मुकदमे को, ठीक है, सर्विस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वर्गो लगन वाले अक्सर लोगों से लड़ते हैं, डिजीज में रहते हैं, ठीक है, रोग ऋण शत्रु मुकदमा का कॉम्बिनेशन जो है वो लगन में ही आ जाता है, ठीक है। अब मंगल की दूसरी साइन देख लीजिए,
मंगल की दूसरी साइन जो होती है, ठीक है, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो थर्ड हाउस होता है, थर्ड हाउस, ठीक है, थर्ड हाउस जो होता है वो कमीशन का होता है, कमीशन का हाउस होता है। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको, ये लगन है, ठीक है। जनरली कमीशन के कामों को हम लोग 8th हाउस से देखते हैं, अष्टम घर हमारा कमीशन घर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जब हम घर काउंट करेंगे, एक एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, तो यहाँ से भी 8th हाउस ही आएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला कि अष्टम घर तो कमीशन का है ही, या इजी मनी का है ही, या बहुत मेहनत करके पैसे कमाने, बहुत कम मेहनत से पैसे कमाने का है ही, बट यहाँ से भी 8th हाउस जो है वो थर्ड हाउस आ रहा है। और यहाँ से जब आप छठा घर देखोगे तो 8th हाउस आ जाएगा, मतलब ये आपका सर्विस का होता है। और यहाँ से आप देखो तो 8th हाउस आपका कम मेहनत का या कमीशन के कामों को रिप्रेजेंट करता है। तो छठा, यहाँ से देखो तो आप छठा घर आ रहा है, यहाँ से देखो तो 8वां घर आ रहा है। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि थर्ड हाउस भी कमीशन को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देख लीजिए, एक सेकेंड, होल्ड करिएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो थर्ड हाउस में अगर देखो आप, तो थर्ड हाउस कमीशन से रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड हाउस कमीशन का हाउस हो गया। और लग्नेश जो है वो छोटे भाई से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है, उसका थोड़ा झगड़े हो सकते हैं लग्नेश का, क्योंकि वर्गो साइन और स्कॉर्पियो साइन दोनों एनिमी साइन है, और उससे थर्ड आपका छोटा भाई का घर आ रहा है, ठीक है। छोटा भाई थोड़ा शांत मिजाज का हो सकता है, थोड़ा मिस्टीरियस हो सकता है। छोटा भाई अपने लाइफ में करियर का वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, या पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, या फिर एजुकेशन में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन अगर थर्ड हाउस में आ गया तो वो किसी भी वे में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो थर्ड हाउस आपका ट्रांसफॉर्मेशन छोटे भाई के संबंध में हो जाएगा। और आपका नेबर में, क्योंकि आपका ऐसा हो सकता है ना कि खाली जमीन हो, या पहले बहुत ज्यादा ऐसा थोड़ा दलदल टाइप का लैंड रहा हो, दलदल टाइप का, मतलब दलदल टाइप का मतलब समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं मैं? हेलो सर। दलदल दल दल मतलब वो कीचड़ वाला। हाँ, कीचड़ वाला, बिल्कुल सही कहा। हाँ। तो थर्ड हाउस मतलब नेबर आ रहा है ना, तो पड़ोस में इसका प्रभाव आ रहा है ना, तो जमीन ऐसी पहले हो सकती है, बट जब हम जन्म मेरा हुआ तब ऐसी जमीनें थी, अब नहीं है। अब हमेशा तो नहीं ना ऐसा रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो बदलाव आ रहा है, ठीक है, ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लगन में, ठीक है, तो लियो लगन की कुंडली में आप देखो तो 4th हाउस में स्कॉर्पियो साइन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इसको कनेक्ट करना चाहिए कि जो सुख भाव है लियो लगन में, सुख भाव किसको मिलना है? मंगल को मिलना है, मंगल को, उस मंगल भाव वहां पे सुख भाव में आ रहा है 4th हाउस में। तो आप देखो, तो जब ऐसा पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी लेता है, ठीक है, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि अब देख लो इसका एक और साइन आ जाएगा 9th हाउस में, मतलब फादर मदर दोनों के प्रभाव में मंगल आ जाएगा, ठीक है। तो
ऐसा पर्सन प्रॉपर्टी लेता है या भाग्य से प्रॉपर्टी का मिलने का योग भी रहता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के में इन्वेस्टमेंट से या प्रॉपर्टी लेने में ऐसा पर्सन थोड़ा सुखी फील करता है, जितना उसके पास लैंड रहे, जितना उसके पास भूमि रहे, भूमि के प्रभाव में रहे, ठीक है, तो वो सुखी फील करता है, ठीक है। और आपका मदर मदर के लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या मदर के डेथ के बाद कुछ लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो, क्योंकि जहाँ पे जो भी हाउस में आप देखो तो स्कॉर्पियो साइन रहता है, तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लाइक मदर का, अगर मदर के हाउस में, अगर फोर्थ हाउस में अगर स्कॉर्पियो है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म वहां पे होगा ही, जब मदर के लाइफ का जो है वो डेथ डेथ हो या लाइफ में वो ना रहे, तो लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो। जैसे सपोज करिए बहुत लोग के लाइफ में प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन नहीं रहता है, क्योंकि मदर का मतलब जीवित रहती हैं, तो जीवित जैसे ही मदर का डेथ होता है तो कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है कि उनको हिस्सा लोगों को मिलने लगता है, इस तरह के इवेंट होने लगते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फोर्थ हाउस, अब घर का भी देख लो, तो फोर्थ हाउस हमारा हमारा घर का उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो पहले आपका बहुत पुराना घर था, अब नया घर हो गया, पक्के मकान हो गए, पहले कच्चे मकान थे, अब पक्के मकान हो गए, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। या पहले छोटा घर था, अब बड़ा घर हो गया, तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ठीक है, मंगल का प्रभाव आ रहा है, तो मदर लॉयर भी हो सकती है, लॉ के प्रभाव में भी हो सकती है, या फिर पुलिस के प्रभाव में भी हो सकती है, जैसे पुलिस ऑफिसर है या कुछ आपका डिफेंस से संबंध उनका रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। अब मुझे बताएंगे क्या कि पंचम भाव में स्कॉर्पियो साइन आएगा तो क्या प्रभाव होगा? पंचम भाव पंचम भाव किस चीज का है मुझे बताइए। तो रिलेशनशिप का है, एजुकेशन का है। एजुकेशन ठीक है, आप इतना आसान है, आप बोल दीजिए आप। मतलब रिलेशनशिप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा या जी ठीक है, एजुकेशन में? बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और लगन कौन सा आएगा? कर्क लगन में, कर्क लगन में फिफ्थ हाउस में आ जाएगा। देखिए कितना आसान है जोड़ना, हाउस को और राशि को जोड़ दीजिए, ठीक है। एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, और आपके क्योंकि स्कॉर्पियो साइन आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो आपका रिलेशनशिप में भी आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और आपका एजुकेशन में भी आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या, कुछ कुछ और पढ़ रहा था बट कुछ और पढ़ने लगे, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसे कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और पंचम भाव में स्कॉर्पियो साइन फिफ्थ हाउस में आ रहा है, तो बच्चों के लिए भी इसका प्रभाव आएगा ना, बच्चों में भी प्रभाव आएगा। तो आप इसको कह सकते हो कि एक से अधिक बच्चे का प्रभाव रहेगा, ठीक है, क्योंकि पंचम भाव में ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। पहले एक हुआ, तो बच्चा होने के बाद हमारे लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब हम मंगल से जुड़ी चीजों में जुड़े हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारा बच्चा हुआ तो मैं जमीन लिया या भूमि लिया, ठीक है, फिर एक और बच्चा हुआ तो कुछ और भी किया, मतलब कुछ और भी इन्वेस्टमेंट किया, दुकान लिया, घर लिया, जमीन लिया, क्योंकि मंगल का प्रभाव आ रहा है ना। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन बच्चा होने पे भी है, चाइल्ड बर्थ होने पे भी है, ठीक है। ठीक है, अब देख लीजिए, छठे घर में स्कॉर्पियो साइन आ रहा है, तो स्कॉर्पियो साइन में आपका छठा घर जो होता है वो जैसे 10th हाउस भी काम को रिप्रेजेंट करता है, और छठा घर भी सेवा को रिप्रेजेंट करता है। अपने सेवा, अपने काम में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। अब मंगल की दूसरी राशि यहाँ पे आएगी, ठीक है, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने डिजायर के लिए, क्योंकि 11वां घर इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है, इनकम को रिप्रेजेंट करता है। अपनी इच्छाओं के लिए, अपने डिजायर के लिए किसी पे केस कर दिया हो, ठीक है, किसी पे कुछ चाहिए मुझे, कुछ जीतना है मुझे, कुछ इनकम है, या कुछ मतलब कुछ इस चीज का चाह है मुझे, और दोनों में ही छठे और 11th हाउस में मंगल का प्रभाव है, तो जेमिनी लगन वाले अक्सर देखो आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ केस करते हैं, या मुझे ये हिस्सा चाहिए उस पे केस करते हैं, ठीक है, या मुझे उस हिस्से में से ज्यादा पैसा चाहिए उसके ऊपर केस कर सकते हैं। जेमिनी लगन वालों के साथ ये प्रॉब्लम है,
ठीक है, क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि इनकम वाले हाउस में या इच्छाओं वाले हाउस में एरी साइन आ रहा है, और मैंने आपको बोला था 3, 6, 11 घर अच्छा नहीं होता है, महर्षि पराशर ने बोला है, ठीक है, मैंने उस दिन बताया था ना आपको, ठीक है। तो ऐसे इसको कनेक्ट करना चाहिए, और सर्विस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। और जेमिनी लगन वाले को अक्सर देखिए तो डिजीज में स्कॉर्पियो साइन आ रहा है, तो ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज हो सकता है। स्कॉर्पियो साइन पाइल्स के बीमारियों को भी बताता है, पाइल्स जिनको होता है ना, क्योंकि 8th हाउस हमारा गुप्त गुप्तांगों को रिप्रेजेंट करता है, गुप्तांगों को, ठीक है। अब गुप्तांगों में ब्लड का प्रभाव आ रहा है, ब्लड की राशि आ रही है, तो यहाँ पे सपोज करिए राहु हो गया, केतु हो गया, इनके प्रभाव में स्कॉर्पियो साइन आता है, तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम या पाइल्स का भी बीमारी का संभावना रहता ही रहता है, ठीक है, डिजीज में, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन आ रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको ये वाला स्कॉर्पियो वाला? हाँ सर, मुझे ये समझ में आया, लेकिन सर ये हर चार्ट में ऐसा होता है या डिग्री भी मैटर करती है? मतलब फिर से बोलिएगा, सुन नहीं पाया मैं। सर मैं ये बोल रही थी कि मतलब ये हर चार्ट में ऐसा डिजीज होता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड का भी ये स्कॉर्पियो साइन जेमिनी है। मैटर करेगा, स्कॉर्पियो साइन मैटर करेगा ना, स्कॉर्पियो साइन किसी की भी हाँ कुंडली में, चाहे मान लीजिए कि सपोज करिए यहाँ पे वर्गो ही लगन है और स्कॉर्पियो साइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब स्कॉर्पियो साइन 3rd हाउस में आ रहा है, तो कहीं भी ब्लड फ्लो तो कभी भी कहीं भी रुक सकता है ना। अब मान लीजिए स्कॉर्पियो साइन 3rd हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो 3rd हाउस में भी हाँ रक्त जो है वो रुक सकता है, या कुछ ना कुछ आपका क्या बोलते हैं उसको, कभी कभी पैरालिसिस भी आता है ना किसी को, तो उसके भी कॉम्बिनेशन हाँ बनते हैं, ठीक है। तो रक्त कहीं भी रुक सकता है ना, लेकिन जनरली स्कॉर्पियो साइन गुप्तांगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो हमारा ओके एग्जिट होता है, ठीक है। अब वो राशि 6ठे घर में आ जाए, तो रोग वाले घर में आ गया, तो रोग से हम उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और ऑलरेडी ब्लड को रिप्रेजेंट करता है स्कॉर्पियो साइन, ठीक है, तो ऐसे इसको कनेक्ट करना चाहिए। अब सेकंड हो गया आपका, ये देखिए, तो टॉरस लगन वालों के लाइफ में पहले भी बताया था मैंने कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है मैरिज के बाद, ठीक है, कुछ ना कुछ, और वे के घर में आ रहा है दूसरा साइन, मंगल का दूसरा साइन वे के घर में आ रहा है, तो जब मैरिज होता है तो व्यय बढ़ता है, खर्चे बढ़ते हैं टॉरस लगन वालों की लाइफ में, ठीक है, क्योंकि टॉरस लाइन खुद ही एक ऐसा लगन है जिसका काल पुरुष में 2nd हाउस में प्रभाव रहता है, तो ऐसा पर्सन जो है वो रिसोर्सेस को लेके मतलब बैठा हुआ है, लेकिन जब उसकी शादी हो रही है तो क्या हो रहा है, खर्चे स्टार्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस में एरीज का प्रभाव स्टार्ट हो जा रहा है। तो ऐसे इसको कनेक्ट करना चाहिए कि स्कॉर्पियो साइन के एक्टिवेशन में मतलब मैरिज के बाद जो है वो खर्चे भी होंगे, और लाइफ में भी बहुत चेंजेस आएंगे, लाइफ में भी बहुत मेजर बदलाव आएंगे, जैसे आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी में भी खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल के प्रभाव में आ जाएगा, ठीक है, और वाइफ के लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन है, तो वाइफ पहले अलग तरह से दिखती थी, थोड़ा सा उसका लुक अलग था, बट बाद में उसने अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म किया, अपने ड्रेसिंग सेंस को ट्रांसफॉर्म किया, तो टॉरस लगन वाले क्या करते हैं, अपने वाइफ को ट्रांसफॉर्म कराते हैं या कुछ हेल्प करते हैं कि आप ऐसे दिखो, आप ऐसे अच्छे दिखोगे, आप ऐसे मत रहो, आप ये ड्रेस पहनोगे तो अच्छे लगोगे ज्यादा, ठीक है।